बहुत सुंदर दिखे। और देखो जीप, देखो जीप का रंग भी पूरा बदल गया। नहीं हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। आप लोग देख रहे हैं भास्कर आनंद जोशी ब्लॉग। तो दोस्तों, आज कोसी नदी में कुछ जल स्तर बढ़ा हुआ है और बहुत ही मधुर ध्वनि कोसी नदी की। सो गाइस, बहुत दिनों बाद कल कुछ बारिश हुई जिसके वजह से कोसी नदी में कुछ जल का स्तर जो है बढ़ा हुआ दिख रहा है और बहुत ही सुंदर नज़ारा है कोसी नदी का। सो गाइस, कोसी नदी का जो जल स्तर है बढ़ने लग गया है, तो कुछ क्षणों में हो सकता है कि अभी और बढ़े। तो सामने कोसी नदी का जल स्तर बढ़ता हुआ उफनती हुई नदी। आने लगी है बारिश और पीछे से बहुत ही तेज बारिश आ रही है। और अब मैं पहले जाता हूँ छाता लेने। और मैंने ये अभी मैं गाय बच्चों को लेके भी आया हूँ आज, तो यहाँ नदी के किनारे गया हूँ और नदी में पानी भी बढ़ा ही है। हो सकता है कि बहुत तेज़ बारिश आए। बारिश अभी ले आते हैं, घर वाले लाए हैं छाता और सामने छाता देने के लिए आ रहे हैं। अभी दिखाते हैं आपको। और ये छाता लेके आ गए हैं, यहाँ पर मेरे को मिल गई है छाता और सामने से आने लगी है बारिश। समय है और बहुत अच्छी धूप निकली है। ओ, खुशी आ गई हमारी। बेटा क्या लाइए? ऑरेंज कलर का फूल ले बताओ। अच्छा, ऑरेंज कलर का गुलाब का फूल लेके आई है खुशी। बहुत अच्छी। बेटा किसने दिया? बेटा माही की दादी ने। बहुत अच्छा, गुड। चलो रखो इसको। तो हमारे बच्चे भी आ गए हैं स्कूल से, बासु साइकिल में सवार और पीछे। वाह, आज तो कपड़े खोल के ही आई है, गर्म हो गया इसे। तो प्रतिका को हो गया गर्म और पीछे से आ गए गौरव। तो बत्तू, इतना गर्म कैसे हुआ तेरे को? स्कूल में गर्म हुआ। तो बेटा, कल तुम यहाँ से घर से खो गए थे, ढूंढते ढूंढते मेरे को कल रात हो गई थी, बताया तुम्हें। आज भी जाओगे कहीं घूमने? आज भी जाओगे इधर उधर? कल भागे थे ना, कल पिटाई नहीं की, आज जाओगे कहीं? घर वाले खेत में गए हैं, चाची भी है और हमारी भाभी लोग भी हैं। तो सामने काट रहे हैं घास, अब लगा रहे हैं गट्ठा। तो आज उन्होंने सामने वाले खेत की निराई की और अब घास का गट्ठा उठाया जाता है, फिर घर को लाएंगे। सामने घास का गट्ठा लेके चाची हमारी जा रही है। भाभी ने घास काट दिया है यहाँ पर और खेत की निराई भी कर दी। फूल खिले हैं, वो भी बहुत सुंदर। इस समय जो समय है, शाम का समय है और सामने के पहाड़ में हल्की हल्की धूप और छांव। सामने मंदिर। गाइस, बच्चों की आपस में कुछ नोकझोंक हुई। तो सामने और बहुत ही सुंदर फूल भी खिले हैं सामने। तो हमारी खुशी वर्तिका के पाँव में कुछ लगा रही है। बेटा क्या हुआ इसके पाँव में? लग रखी है। और यहाँ हमारी निधि डांस कर रही। किससे लगी? घास से पाँव में लग गई। घास से कभी शुरू हो गया लगने। फिर किससे लगती है? पत्थर से। पत्थर से लगी? हाँ, कैंची से, पत्थर से लगती है। घास से कटा? ओ, और कोई लकड़ी से मारता है? लगती है, लगती है, मारता है, लगती है। सामने घास का गट्ठा लेके घर वाले आने वाले हैं और भाभी लोग उचा रहे हैं घास।
सामने घास का गट्ठा भाभी को उछा दिया। बड़ी भाभी ने आप वो घास लेके घर की ओर आएंगे। अब दूसरी खेत की निराई करते हैं वो सामने, तो अभी रुक गए हैं, तो घास का गट्ठा वहीं पर रखेंगे। एक गट्ठा तो रख दिया है और भाभी अभी क्या पता घर को आए, तो अभी उन्होंने भी गट्ठा वहीं पर दीवार में रख दिया है। अभी वो सामने वाले खेत की निराई कर रहे हैं। इस सामने वाले खेत की निराई क्या कहूँ, शाम का समय है, सामने चक्की तक या कुछ आगे कोई मिलता है तो उनसे भी आज मुलाकात करते हैं, बहुत दिन हो गए। ताईजी नमस्कार। तो आज गांव में घूमते हुए जा रहा था तो रास्ते में हमें ताईजी मिली और ताईजी से मुलाकात हुई और हाथ में छड़ी है उनके और रखा है ये कुछ लग रहा है यहाँ पर कुछ है छुपे रहो फुचिन में मोबाइल है। तो ताईजी के पास मोबाइल, तो ताईजी मोबाइल लेके खेतों में और यहाँ क्या लग रहा है गदू गदू लग रही तुम्हारा, तो यहाँ पर एक कद्दू की बेल भी है, पिंटू भी है। अच्छा ओ वहाँ पर आ गए हो, एक अम्मा हमारी नमस्कार अम्मा, ये देखो अम्मा आएगी और एक यहाँ बस कृपा आ रहे है। तो आज गांव में घूमने में कुछ सयाने लोग मिल रहे हैं, बुढ़े बड्डे लोग, इनसे मिलके भी कुछ आनंद आता है। क्यों ताई जी कुछ कहना चाहेंगे आप? अब क्या कहूँ, ठीक हो रहा है, बहुत सुंदर सुंदर हो रहा बहुत बहुत सुंदर आराम और नानतिनाग फोन फान जय हो जय हो। तो लग रहा था साग सब्जी लग रहा था, बताइए जी एक आध गद्दू खा ली, एक लौकी भी खा दी हमने। अच्छा, चलो, अब लगेंगे कुछ समय में। तो ताईजी जरा घुमा रहे हैं, सामने हमें एक बिल्ली भी दिख रही है, हमारे दादा बंगाली दादा नेपाली है और ये अम्मा जी बंगाली दादा जो हमारे सुशांत जोशी है उनकी मम्मी हमारी अम्मा है और दादा के वहाँ जाते हैं, दादा से मिलते हैं और दादा ने एक यहाँ पर ये वो पाल रखा है, क्या कहते हैं बहुत सुंदर ना कुत्ता नहीं कहते इसे, इसका नाम है रॉक्सी, रॉक्सी तो रॉक्सी बहुत सुंदर है। तो मालिक साहब कहाँ है ये बताएंगे, चलो मालिक साहब के पास ले जाए। तो आज हम दादा से मिलके आते हैं और दादा के सामने गाय, दादा राम राम। तो अभी दादा की कोई जानकारी नहीं, तो दादा से मिलते हैं, दादा यहाँ छत में होंगे। हेलो दादा नमस्कार, और दादा सब आसल कुशल आनंदमय, चलो दादा से मुलाकात हुई, बहुत ही आनंद, बहुत दिनों बाद हम दादा से मिले। तो आप कुछ गपशप वैसे ही मारते हैं फिर तो वीडियो बनेगी इसके बाद, तो बने रहिए आप हमारे। तो अभी मैं सुशांत जोशी के जी के वहाँ गया, उनसे मुलाकात हुई और कुछ गपशप भी हुई। तो अब अभी जो इस समय है शाम का समय है और अंधेरा होने वाला है कुछ ही समय बाद, और आसमान में बादल भी दिख रहे हैं और खेतों में चारों ओर हरियाली छाई हुई है। तो कुछ समय बाद मैं घर की ओर जाऊंगा, गांव में घूम के घर की ओर आ गया हूं और घर में हमें मिले हेलो गाइज। तो शाम को आज कुछ गांव के लोग भी मिले तो उनसे मिलके कुछ गपशप भी हुई और अब मैं तो हमारी खुशी बिटिया पढ़ाई कर रही है, बेटा क्या कर रही, होमवर्क कर रही, शाबाश। तो खुशी पढ़ाई कर और वो कहां है, कुछ लगा है, वाह वाह। तो बासु ने वाह बहुत ही सुंदर, ये क्या लगा दिया मुंह में, अरे इसको सही कर रहा और बासु ने अपने दांतों में लगा दिया, लगाते नहीं है, नहीं नहीं कुछ नहीं लगा, बहुत सुंदर दिखे। और देखो जीप, देखो जीप का रंग भी पूरा बदल गया, नीला हो गया है। तो बासु ने वो क्या कहते हैं, तो बासु चूस लिया, मुंह को ही देखने में रह गया है, क्या साफ कर लिया मुंह, तो नहीं अभी तो साफ हो गया। तो बासु की पढ़ाई ऐसी हुई कि उसने अपने मुंह में ही बहुत कुछ लगा दिया। तो वर्तिका के हो गई है दांत में दर्द, अब उसको चाहिए दांत दर्द वाला पेस्ट। तो आप दांत नहीं मलते ना बेटा, इसलिए होते हैं, कौन से दांत में हो रही दिखाओ, तब तो मुंह में तो दांत ही नहीं है तेरे, टूट गए हैं सभी, तो आप तो दांत मल लो फिर इससे एक बार, ठीक है पेस्ट को लगा लो वाला। तो ये दांत दर्द वाला पेस्ट को ठीक करने वाला पेस्ट है, तो बच्चे लगाएंगे दांत में बत्तू, ये शाबाश, ये खाने के नहीं, नखरे मत दिखा बेनी के दांत दर्द, और तेरे से क्या हो रही। तो बासु थोड़े थोड़े नखरे भी दिखाता है और कुछ भी चीज दिखे इसको ये उसको अपने हाथ में ले लेता है ये, तो तेरे भी दांत दर्द है क्या, तो हो सकता है तो नखरे भी दिखा सकता है, बहुत ही सुंदर दिख रही है ये, देख देख तो
तो कुल्ला उल्ला करके आना भी, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी? चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।